नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं परवीन। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें मुझसे ये बोला जा रहा है कि सर, हमारे हरियाणा के एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो आप हमें तेज़ रफ्तार से हरियाणा जीके सिखाने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो मैं इसी से रिलेटेड लेके आया हूँ। मैं अपनी यह वीडियो 6 पार्टों में लेके आया हूँ। हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार से आप 6 वीडियो के अंदर 630 क्वेश्चंस, जो कि हरियाणा जीके के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी के सभी आप तेज़ रफ्तार से कवर कर लेंगे। आपको बस डेली मेरी एक वीडियो देखनी है और अच्छे से उसको समझना है। तो चलिए आज सीख लेते हैं पार्ट 2। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थित है? तो इसका राइट आंसर है फरीदाबाद में। इसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो इसका राइट आंसर है 34% जनसंख्या। इसके बाद है, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है अम्बाला। अम्बाला के अंदर सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। इसके बाद है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है झाड़ू फिरी। इसके बाद है, 1 जुलाई सन 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है करनाल में। इसके बाद है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बने अनुष्ठान होते हैं? तो इसका राइट आंसर है पिहुआ मेले के अंदर। इसके बाद है, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र में। इसके बाद है, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है करनाल। इसके बाद है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर गीता का उपदेश दिया था, इसलिए ये जगह प्रसिद्ध है। इसके बाद है, गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र हमारे हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कैथल के अंदर। इसके बाद है, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो इसका राइट आंसर है 90, और एक इसके अंदर मनोनीत सीट होती है, तो कुल मिला के ये 91 हो जाती हैं। इसके बाद है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? तो इसका राइट आंसर आएगा 16वां स्थान आता है। इसके बाद है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राय, जो कि हमारे हरियाणा के सोनीपत में पड़ता है। इसके बाद है, हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत की महिला है, वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है संतोष यादव। इसके बाद है, राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुड़गांव के अंदर। इसके बाद है, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कुश्ती। इसके बाद है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु है नीलगाय, जिसे ब्लैक बक भी बोल देते हैं। इसके बाद है, किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है काला तीतर। काला तीतर को हरियाणा का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद है, तराइन का मैदान वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है करनाल में। इसके बाद है, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है करनाल के अंदर। इसके बाद है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है सिरसा जिले के अंदर। इसके बाद है, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? इसका राइट आंसर है हिसार जिले के अंदर। इसके बाद है, हरियाणा के अंदर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1970 में। इसके बाद है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो यह विश्वविद्यालय हमारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थापित है। इसके बाद है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस हमारे हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिसार जिले में। इसके बाद है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है करनाल के अंदर। इसके बाद है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1955 में। इसके बाद है, हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है करनाल और कुरुक्षेत्र में। आगे है,
हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि पहले जब चरखी दादरी जिला नहीं बना था तो उस समय सिर्फ रोहतक ही ऐसा जिला था जिसकी सीमा हरियाणा के किसी भी जिले से नहीं लगती थी, लेकिन अब चरखी दादरी बना दिया गया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है रोहतक और चरखी दादरी। ये दोनों के दोनों ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा हमारे हरियाणा के किसी भी जिले से नहीं लगती है। इसके बाद है सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर है गुड़गांव के अंदर। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे है हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहां पर और किस महीने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सूरजकुंड जो कि फरीदाबाद में पड़ता है और यह फरवरी मेले में लगता है। इसके बाद है राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, तो इसका राइट आंसर है 45 सेंटीमीटर। इसके बाद है हरियाणा राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर है उत्तर पूर्व में। इसके बाद है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर है हरफूल सिंह जाट जुलानी, यह पहली फिल्म थी। अगर हम बात करें कि हरियाणा की पहली प्रसिद्ध फिल्म कौन सी थी तो हम नाम ले सकते हैं चंद्रावल फिल्म का। इसके बाद है मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहां पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है गुड़गांव के अंदर। इसके बाद है हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था, तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद है पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है जस्टिस जे सी शाह। इसके बाद है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहां पर दिया था, तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र में। इसके बाद है हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर है 44212 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है हरियाणा के सभी गाँवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था, तो इसका राइट आंसर है सन 1970 में। इसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है करनाल के अंदर। आगे है हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर है 3 बार। इसके बाद है हरियाणा में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो इसका राइट आंसर है चौधरी बंसी लाल। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब राजस्थान और हरियाणा के मंत्री रह चुका है, तो इसका राइट आंसर है तैयब हुसैन। इसके बाद है हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है खंडवा। इसके बाद है सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है, इसका नाम है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। इसके बाद है कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है पानीपत। इसके बाद है हरियाणा में कितने मंडल हैं, तो फिलहाल वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं। इसके बाद है हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर है 5 सीटें हैं। इसके बाद है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर है 1967 के अंदर। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे है मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है नूह के अंदर। देखिए हरियाणा में 2 जिले हैं, एक महेंद्रगढ़ और मेवात, जिनका मुख्यालय इनके मूल स्थान पर ना होकर अलग से बनाए गए हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, आगे है हरियाणा में छड़ी नृत्य किस त्यौहार से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है गुग्गा नवमी से। इसके बाद है मजीरा नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है मेवात से। इसके अलावा कानोड किस शहर का पुराना नाम है, तो इसका राइट आंसर है महेंद्रगढ़ का। इसके बाद है हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहां पर स्थापित की गई थी, तो इसका राइट आंसर है रेवाड़ी के अंदर। तो इसके बाद है हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, तो इसका राइट आंसर है लाला मुरलीधर। इसके अलावा आगे है हरियाणा के किस राजनेता को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर है गुजारी लाल नंदा को। इसके बाद है बाबू बालमुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर है गुड़ियानी रेवाड़ी के अंदर। इसके बाद है उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो इसका राइट आंसर है सर शादीलाल। इसके बाद है जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था, तो इसका राइट आंसर है चौधरी छोटूराम ने। इसके बाद चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे है 1857 की क्रांति की हरियाणा के अंदर शुरुआत कहां से हुई थी, तो इसका राइट आंसर है अंबाला से। इसके बाद है राव तुलाराम कहां के शासक थे, तो इसका राइट आंसर है रेवाड़ी के। इसके बाद है राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध कहां पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर है नसीबपुर जो कि नारनौल के समीप पड़ता है जो हमारे महेंद्रगढ़ जिले में आता है। इसके बाद है हरियाणा का लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है, तो इसका राइट आंसर है हरियाणा संवाद पत्रिका। इसके बाद है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है
हरियाणा खेती। इसके बाद है, हरियाणा में प्रसिद्ध सरस्वती सुगर मिल कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है यमुनानगर के अंदर। इसके बाद है, किस राज्य के साथ हरियाणा का सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद चल रहा है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब के साथ। इसके बाद है, सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 212 किलोमीटर। इसके बाद है, राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है काबुल के अंदर। इसके बाद है, 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कपिल देव। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, हरियाणा में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पिंजौर के अंदर। इसके बाद है, हरियाणा में गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसका राइट आंसर है पिंजौर के अंदर। आगे है, हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका राइट आंसर है दो, एक तो सुल्तानपुर और एक कालीसर। सुल्तानपुर गुड़गांव में पड़ता है और कालीसर यमुनानगर में पड़ता है। इसके अलावा हरियाणा में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है पंचकुला। इसके बाद है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है झज्जर जिले के अंदर। इसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर है मेवात की, जिसकी साक्षरता दर 54% है। इसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है मेवात, जिसका लिंग अनुपात 907 है। इसके बाद है, हरियाणा के किस राजनेता को भारत का उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है चौधरी देवीलाल को। इसके बाद है, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहां पर स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है अंबाला में 1886। इसके बाद है, 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किसने हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय ने। इसके बाद चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे है, शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे थे? इसका राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे थे। इसके बाद है, 10 अप्रैल सन 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध के लिए आ रहे गांधी जी को हमारे हरियाणा के कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है पलवल से, जो हमारे मेवात में पड़ता है। इसके अलावा हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है पंचकुला की मोरनी हिल्स में करोही चोटी, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। इसके बाद है, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके बाद है, दमदमा झील किस जिले में है? तो यह हमारे हरियाणा के गुड़गांव में पड़ती है। इसके बाद है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो इसका राइट आंसर है अर्ध उष्ण। इसके बाद है, हरियाणा से होकर बहने वाली एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी। इसके बाद है, खरीफ फसलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सावनी के नाम से। इसके बाद है, मुर्रा भैंसों को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका राइट आंसर है काला सोना के नाम से। इसके बाद है, हरियाणा की दो प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर। इन दो नहरों के द्वारा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, 1939 में स्थापित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है भिवानी जिले के अंदर। इसके बाद, हरियाणा का कौन सा नगर पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है यमुनानगर। इसके बाद है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाई हरियाणा में कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है पानीपत के अंदर। इसके बाद है, हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तेल शोधक कारखाना कहां पर 1980 में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बाहुल्ली में, जो कि पानीपत में पड़ता है। इसके बाद है, हरियाणा का कौन सा नगर तांबा और पीतल के बर्तनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है रेवाड़ी जिला। इसके बाद है, हरियाणा की नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 6 जून 2005 के अंदर। इसके बाद है, हरियाणा में दो आईटी पार्क कहां पर स्थापित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है पंचकुला में और मानेसर में, जो कि गुड़गांव में पड़ता है। इसके बाद है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है झज्जर जिले के अंदर। इसके बाद है, राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है खेदड़, जो हमारे हरियाणा के हिसार में पड़ता है। इसके बाद है, महात्मा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है झज्जर जिले में।
यदि आप स्लो इंटरनेट कनेक्शन के कारण मेरी YouTube वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आपको मेरी इस वीडियो के यहाँ नीचे जाना है और शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट haryanadistrict.blogspot.in पर भी जाकर ये सभी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो इस वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर भी आप मेरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसी वीडियो कंटिन्यू प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।